अस्सलाम वालेकुम भैया अम्मा। वालेकुम सलाम, कैसी हो? आपकी तबीयत सही नहीं रहती, ये सब तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी? अरे अपनी जान से प्यारी बेटी के लिए लेकर आई हूँ, इसमें तकल्लुफ़ की क्या बात है? ये तो मेरा फ़र्ज़ था। जिसको देखो मुंह उठाकर कुछ ना कुछ ले आता है, बाद में ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। अम्मी क्या हो गया है? किसी ने कुछ कहा है आपसे? तुम्हारी ताई अम्मी कुछ कम है? उनका बेटा चार चीजें क्या ले आया, ताने खत्म नहीं हो रहे? भई अम्मा, आजकल सब कुछ बाजार में मिलता है, आपको ये सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? देखने वाले देखते हैं और फिर जो मुंह में आता है बक देते हैं। बेटा कहने वालों को कहने दो और करने वालों को करने दो, ये तो हमारी बच्ची की खुश नसीबी है कि उसके चाहने वाले उसके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन आजकल के दौर में ये बहुत बड़ी बात है। मगर बातें तो लोग माँ बाप को सुना कर जाते हैं ना। बेटा देखो, ना कोई किसी की माँ बन सकती और ना कोई किसी का बाप बन सकता है। बुरे वक्त में अगर आपके साथ कोई खड़ा है तो उसकी कदर करो, यही अकलमंदी का तकाजा है। कहाँ रह जाती है लड़की? शुमाइला, टाइम देखा है तुमने? कहाँ थी तुम? मम्मा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, वो मैं मुराद से मिलने गई थी। फिर से? मैंने तुमसे कहा था ना, अगर वो सच में तुमसे प्यार करता है तो हमसे मिलने के लिए आए। मम्मा, वो मिल लेगा आप लोगों से, लेकिन वो 4 साल का छोटा सा बच्चा तो नहीं है कि मैं उसकी उंगली पकड़कर अपने पीछे पीछे ले आऊं उसे। शुमाइला, तुम्हें अब भी लगता है वो तुम्हारे साथ सीरियस है? मम्मा, मम्मा देखें, उसने थोड़ा वक्त मांगा है मुझसे। तुम इतने दिनों से उससे मिलजुल रही हो और अभी भी उसे सोचने का वक्त चाहिए। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ सीरियस है? मम्मा, मम्मा वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्त? मैं यहाँ दोस्ती के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। क्या वो सच में तुमसे मोहब्बत करता है? शुमाइला, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या वो सच में तुमसे शादी करना चाहता है? मामा, वो बहुत अच्छा इंसान है और मैंने उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दिया है। मगर तुम्हारे डैडी ये वक्त देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, समझी तुम? वो रोज मुझसे सख्ती से पेश आते हैं और अब मैं मजीद टाल मटोल नहीं कर सकती। वो तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते हैं। तो मामा, आप क्या चाह रही हैं? कि मैं मुराद का जाके गला दबा दूं? मैं आपसे कह रही हूं ना कि वो समझ चुका है, उसे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का वक्त दे रही हूँ। तुम मुराद को किसी भी हाल में समझाओ और उसे कहो अपनी फैमिली से हमें मिलवाए, वरना तुम्हारे डैडी इस सिलसिले को यहीं खत्म कर देंगे, समझे तुम? नहीं मम्मा, मम्मा आप तो ऐसे रिएक्ट नहीं कर रहे ना, मैं मुराद से बात करती हूँ, आप तो मेरी बात सुने ना। उफ़ मम्मा प्लीज। क्या करूँ, मुराद से कैसे बात करूँ, कैसे उसको कन्विंस करूँ? क्या हुआ है मेरी बच्ची, कुछ बताओ तो सही। अम्मी, पता नहीं आज रात से ही दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने किसी अनजान शहर से बहुत डर लग रहा है। मुझे बताती तो मैं तुम्हारे साथ सो जाती। अम्मी, बहुत डरावने ख्वाब आ रहे, बहुत अजीब अजीब से चेहरे। मैंने देखा कि एक बला आई और मेरे बच्ची को खा गई। मम्मी, मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? कुछ नहीं होगा, तुम वहम नहीं करो, तो फिक्र मत करो,